हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं चैनल द टेक विज गाय। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो आप सबको मैं ये थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ऐसे ही आपका सपोर्ट रहा तो हम और भी माइलस्टोन्स अचीव कर लेंगे। तो अब मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ एको डॉट 5th जनरेशन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ इंडिया में और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। और यूसेज के बाद मैंने इसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब चीज़ें अच्छे से टेस्ट की हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़ कि अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर और अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले इसके बॉक्स से। तो बॉक्स में आपको कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं मिलेगी जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स में बस आपको ये दिखाया हुआ है कि आपको ऐप डाउनलोड करनी है और साथ में इसको कनेक्ट करना है वायर से, और दूसरा आपको दो पेपर वर्क मिलता है बस। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो। तो फिलहाल के लिए बॉक्स को यहीं पर रखा रहने देते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जो इसका डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन तो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट 4th जनरेशन की तरह। तो अगर आपके पास 4th जनरेशन डिवाइस है तो आपको अपग्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 3rd जनरेशन है, वो डिवाइस छोटा था, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लेकिन 4th जनरेशन से इसमें बस थोड़ा बेस का इंप्रूवमेंट है और आपको हायर लेवल्स पे जो आपकी वॉइस है वो क्लियर आएगी, तो आपको मतलब डिस्टॉर्शन थोड़ा कम मिलेगा। और जैसा कि इसके बेसिक्स में आपको बता दूं, ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल्स होते हैं और ये आपका एक्शन बटन है और ये माइक्रोफोन ऑफ है। और इसमें नई चीज़ आती है कि इसमें सेंसर लिया हुआ है, अगर रूम में कोई आदमी प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से लाइट ऑन होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए, वो सेंसर इसमें दिया है। और आप इस पे मोशन सेंसर भी, अगर आप टैप करेंगे, ऐसे ऐसे टैप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। और अगर इनकेस आपने इसमें अलार्म भी सेटअप किया हुआ है, ऐसे करने से वो अलार्म बंद हो जाएगा, मतलब स्नूज आप बोल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इससे आप अपने पूरे घर को स्मार्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास और भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं, जैसे कि स्मार्ट प्लग्स आते हैं, स्मार्ट बल्ब्स आते हैं, तो उसी के ज़रिए आप अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्ट प्लग से। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप अपने AC को, TV को, फ्रिज को, किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका पूरा होम इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। अगर आप ऐसे चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप अपने घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने एक रिव्यू भी किया था, जैसे विप्रो का एक स्मार्ट बल्ब था, तो उसके बारे में भी, उस वीडियो पे भी हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले थे। तो आप वो सब काम इससे कर सकते हैं। आप बोलेंगे लाइट ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, या आप उसमें टाइमर लगा दीजिए, सब काम इसमें हो जाता है। और उन सब डिवाइसेज में आता भी है कि वो एलेक्सा से कंट्रोल हो सकते हैं, एलेक्सा इनेबल्ड होता है उन डिवाइसेज में। मतलब आपके मोबाइल में पहले तो ऐप होनी चाहिए, एलेक्सा ऐप, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये आपको जो 15 वाट का अडाप्टर मिलता है, इसको आपको लगा के रखना पड़ेगा। तो जो लोग जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये जो अडाप्टर है हमेशा कनेक्टेड रहता है एलेक्सा से। तो ऐसा नहीं है कि ये बैटरी पावर से चलता है या कुछ, तो इसको हमेशा कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैं पहली बार अपनी डिवाइस को सेटअप कर रहा हूँ, तो ये मैंने डिवाइस अभी डी रजिस्टर कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए, जिससे कि आप पूरा प्रोसेस देख पाएं जिनको कोई भी डाउट हो। वैसे अगर आप अमेजोन के अपने ही अकाउंट से लेते हैं अपने लिए डिवाइस, तो उसमें ऑप्शन भी रहता है कि आप पहले से उसको लिंक कर सकते हैं अपने अमेजोन अकाउंट से इस डिवाइस को, तो आपको सेटअप वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, अब मैंने इसको ऑन कर दिया है प्लग को। अब आप देखेंगे इसमें लाइट्स वगैरह ऑन होंगी, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सेटअप का ब्रीफ प्रोसीजर बता दूंगा और आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए, इसमें लाइट ऑन हो गई है और ये लाइट रिंग आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ अभी। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें एक बार ऑरेंज लाइट जलेगी, इसका मतलब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, डिवाइस पेयरिंग मोड में आ गया है। और देखिए, फोन में मैंने एलेक्सा ऐप ओपन की, उसी में आ गया। आपका डिवाइस सेटअप के लिए तैयार है, बस एलेक्सा ऐप डाउनलोड करें और निर्देशों का पालन करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी ऐप में कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट ऐप ओपन की। और जैसे कि आपने डिवाइस के इंस्ट्रक्शंस में भी सुना, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, तो देखिए खुद ही आ गया, एको डॉट इज़ रेडी फॉर सेटअप। तो आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए, कंटिन्यू डिवाइस सर्च करके वाईफाई इसने सर्च किया, ये हमारे फ़ोन के थ्रू इसमें वाईफाई कनेक्ट कर देगा। पहली बार सेटअप के लिए सिर्फ आपको फ़ोन की ज़रूरत होगी, उसके बाद आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए जैसे कि अब कनेक्ट हो रहा है बस ये। तो सेटअप के बारे में ये देखिए, एको डॉट इज नाउ कनेक्टेड टू
वाईफाई। योर एको इज रेडी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ये भी देता रहेगा, तो आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन बुकलेट या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेटअप करना इसको काफ़ी ईजी है, लेकिन मैंने सोचा कि बस ये एक बार वीडियो के साथ बना दिया जाए। तो आपको बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं एलेक्सा से और फ़ोन से। आप देख सकते हैं इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बेडरूम नाम देना चाहूँगा डिवाइस को, बेडरूम के लिए सेटअप किया जैसे। तो आप ये देखिए, आप वॉइस आईडी वगैरह सेटअप कर सकते हैं या तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। इफ़ यू स्किप एलेक्सा वॉन्ट बी एबल टू कॉल यू बाई नेम, लेकिन आप ये सब चीज़ें स्किप कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लेट्स गो क्लिक किया। Hey there, it's lovely to meet you. Let's get you started with four things to try. You can say stop at any time. Let's get started. To talk to me, just say my name and ask me a question. Try saying this. Alexa, how's the weather? Alexa, weather kya hai is samay? Right now in Lucknow, it's 21 degrees Celsius with cloudy skies. Today's forecast has lots of clouds, with a high of 28 degrees and a low of 18 degrees. तो जैसे कि आप सुन सकते हैं ये आपके कमांड्स पे वर्क करेगी। अगर आप इसको बोलेंगे न्यूज़ सुनाओ, कोई जोक सुनाओ, या फिर इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है, वो मैं आपको ऐप के थ्रू भी दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो ऐप पे देख सकते हैं कि इस समय रूम का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है। हमें डिवाइस की लैंग्वेज चेंज करनी है, ये मैं इस समय सेटअप नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग को भी ये चीज़ स्किप हो जाए। तो डिवाइस सेटिंग्स में जाके मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे टेम्परेचर सेंसर है इसमें, यह भी कैलिब्रेटिंग दिखा रहा है। आप ऑडियो सेटिंग्स और ये सब सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। ऑडियो सेटिंग्स में बेस देखिए मैक्सिमम पे सेट किया हुआ है मैंने, तो आप उसको चाहें तो कम भी कर सकते हैं, और वॉल्यूम आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं ये देखिए, और यहीं से भी कम कर सकते हैं। तो वैसे ओवरऑल इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और आपके पास कोई और स्पीकर वगैरह है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर वो स्मार्ट स्पीकर की तरह सपोर्ट करता है। तो ये टेम्परेचर कैलिब्रेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं अगर ये आपका टेम्परेचर यहाँ पे जब शो करने लगता है, तो आप रूटीन्स बना सकते हैं। रूटीन्स में आप क्या सेट कर सकते हैं, जैसे रूटीन्स पे आप जाएंगे तो वेकअप रूटीन, क्या टेम्परेचर हो, टेम्परेचर के हिसाब से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप ऐड साइन पे जाएंगे तो रूटीन का नेम डाल सकते हैं, और व्हेन दिस हैपन्स तो एलेक्सा को क्या करना है। जैसे सुबह का टाइम हुआ, जैसे आपने 8 बजे लिखा, तो एलेक्सा आपको 8 बजे बोलेगा गुड मॉर्निंग, और एक्शन के साथ आप देख सकते हैं कि एलेक्सा कोई आपके लिए म्यूज़िक चलाए, कोई टीवी ऑन करे या कुछ और करे। कस्टम चीज़ें बहुत कुछ है इसमें, कस्टमाइजेशन, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं इसमें। तो फीचर्स तो इसमें बहुत सारे हैं, बस वही है कि जो जो चीज़ें आप यूज़ कर पाएँ, जो जो आपको काम की लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी टेम्परेचर सेंसर एक बार कैलिब्रेट हो जाए, अभी इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था तो ये नॉर्मली काम कर रहा था। तो अब मुझे नहीं पता दोबारा सेटअप करने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर ऐसा ही है। तो जो भी दिक्कतें हैं वो छोटी मोटी आपको मिलेंगी, और आप इसके लिए वेक वाला वर्ड सेट कर सकते हैं कि क्या बोलने से ये एलेक्सा मतलब आपको रिप्लाई करे। जैसे कि वेक वर्ड अभी इसमें एलेक्सा सेट है, आप इसको सेट कर सकते हैं कि आप इसको बोलें अमेज़ॉन कंप्यूटर या एको। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि एको ये चीज़ बजाओ, या फिर ये करो वो करो। तो अभी मैंने एलेक्सा पे सेट किया हुआ जैसा नॉर्मली होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई आपके डिवाइस से रिलेटेड। तो और तो ओवरऑल ये डिवाइस अच्छा है, आपको 5,000-5,500 के आसपास जिसमें भी मिलता है आप इसको बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगा आपके लिए, और ओवरऑल तो मुझे ठीक ही लगा। कोई इतना मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका सारा काम हो जाएगा, मतलब पूरा स्मार्ट, पूरी तरीके से स्मार्ट तो नहीं है, वही बात है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ये सब चीज़ें आती रहती हैं, उसके साथ ही ये इम्प्रूव होता रहता है। तो और तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है सेटअप करने में या कुछ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें बताऊँ और आपके डाउट सॉल्व करूँ। जैसे कि मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इस समय ये अमेज़ॉन पे 5,499 का है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये 5,000 के अराउंड था, और इसमें कुछ ऑफर्स वगैरह टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। उससे हमारे चैनल की भी थोड़ी हेल्प होती है, तो अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। मैं इसको लेना रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास 4th generation डिवाइस नहीं है। अगर 4th generation आपके पास है तो इसको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहले वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये चीज़ मैंने मिस कर दी, कि ये है माइक्रोफोन ऑफ बटन। जैसे कि मैं अभी बोलूँगा एलेक्सा, तो देखिए डिवाइस आपका वेक हो गया। एक बार मैंने इसको प्रेस किया, आई डोंट नो दैट,
एक बार मैंने इसको प्रेस किया, देखिए रेड लाइट जल गई। तो अब मैं एलेक्सा बोलूँगा, एलेक्सा, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये माइक्रोफोन ऑफ बटन है आपका, और आपने इसको दबाया, प्ले अ हिंदी सॉन्ग। Here are Hindi songs, songs by Gaana from Gaana. तो देखिए ये मैंने बटन दबाया, तो उसके बाद मुझे एलेक्सा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही एक्शन बटन है आपका। तो ओवरऑल इसका डिवाइस का डिज़ाइन कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। इसमें आपको एक और वेरिएंट मिल जाएगा जिसमें यहाँ पे टाइम लिख के आता है, उसमें वो डिस्प्ले वाला होता है, मतलब उसको विद क्लॉक बोलते हैं। तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से ये डिवाइस भी अच्छा है। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा साथ में, कि आप इस डिवाइस को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट अपने फ़ोन या लैपटॉप के साथ पेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको अपने लैपटॉप के साथ पेयर किया। तो जैसे ही लैपटॉप दोबारा मैंने ऑन किया, पेयर हो चुका था, लेकिन मैंने बीच में अपना लैपटॉप ऑन कर दिया, डिवाइस ऑन था। तो जैसे ही लैपटॉप ऑन हुआ, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, और एलेक्सा ने खुद ही मतलब अनाउंस किया कि अब डिवाइस आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया गया है, लैपटॉप के मॉडल और डिवाइस नंबर के साथ उसने वो पूरा बताया, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप इसको स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है, और ये ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि ये है तो एक स्पीकर ही, बस वो स्मार्ट स्पीकर है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आपको हमारे चैनल पे कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 1 लाख रीच हो गए हैं, और हम ऐसे ही माइलस्टोन्स पार करते रहेंगे आप लोगों की मदद से। थैंक यू दोस्तों।